हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मिसी ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पेडिक्योर एट होम। आप घर पे कैसे पेडिक्योर कर सकते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डू ओनली 3 मैजिकल प्रोसीजर एंड यू कैन गेट सॉफ्ट सफल एंड डिटेन फीट। एक बाकेट में क्वांटिटी के हिसाब से लुक वार्म वाटर ले लीजिए, जिसमें आपका दोनों पैर पूरी तरह से डूब जाए। Use any shampoo or body wash that you like। दो स्लाइस किया हुआ लेमन हम यहाँ पे ले लेंगे, इसका जूस काम में आएगा। और अपने अगर नेल पॉलिश वायर किया हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए आपका पसंद का कोई भी नेल पॉलिश रिमूवर आप ले लीजिए। एंड सम टूल्स लाइक नेल फाइल एंड नेल कटर। देन कोई अच्छा सा स्क्रबर जो आपको दुकान में इजीली 30 रुपीज में मिल जाएगा, और यू कैन यूज दिस। आप अपना कोई बॉडी स्क्रबर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक लूफा की मदद से हम अपने पैर को क्लीन कर लेंगे। हम पैक बना के रेडी कर, पोटैटो और लेमन का जरूरत पड़ेगा हमको। इस पूरा जो लेमन है इसका बस हम छिलका निकाल लेंगे, पील ऑफ कर लेंगे इसका। इसका छिलके में एसेंशियल ऑयल होता है, तो जो हम लुकवार्म वाटर में देंगे। यू कैन सी मैंने बस छिलका को ले लिया है। देन पोटैटो का जूस निकाल लेंगे यहाँ पे एक बोल में। पोटैटो जूस में मिलाएंगे हम राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा, और हम ले लेंगे थोड़ा सा बेसन, जो कि बहुत अच्छे क्लींजिंग प्रॉपर्टी रहता है इसमें। राइस फ्लोर एज ए स्क्रबर काम करेगा। देन इसमें हम लेमन स्लाइसेस स्क्वीज कर लेंगे। एड सम टर्मरिक पाउडर इन टू इट। Now your scrubber compact is ready। अभी लुक वार्म वाटर में शैम्पू ऐड कर लेंगे। आप देख रहे होंगे हम लेमन का छिलका ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं इसमें। थोड़ा सा मिला लेंगे शैम्पू को और थोड़ा सा लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम अपना फीट को यहाँ पे डुबो के रखेंगे, भिगो के रखेंगे 10 मिनट। उसके बाद लूफा से अच्छे से क्लीन कर लेंगे हमारे फीट को। देन हेल्प ऑफ द फूड स्क्रबर, जो भी डेड स्किन है हमारे फीट पे उसको डालेंगे घिस घिस के। यू कैन सी द डिफरेंट। इसके बाद हम नेल पॉलिश जो भी है लगा हुआ उसको रिमूव कर लेंगे। कट इस नेल कटर की हेल्प से, फाइल की हेल्प से क्यूटिकल भी निकल लेंगे। इसके बाद जो हमारा पैक रेडी था उसको हम दोनों पैर में अच्छे से एक थिक लेयर का लगा लेंगे। 2 मिनट रखने के बाद हम हल्के हल्के हाथों से 2-2 मिनट तक अपने पैर को अच्छे से मसाज देंगे। फिर अपने फीट को मास्क कर लेंगे और नेल में थोड़ा सा हम वैसलीन लगा लेंगे, इससे हमारा नेल ठीक रहेगा। यहाँ पे हम ले लेंगे एलोवेरा। यू कैन यूज एनी क्रीम दैट यू लाइक। हम यहाँ पे एलोवेरा और थोड़ा सा ग्लिसरीन को मिक्स करके अपने पैर में अच्छे से लगा लेंगे, जिससे ये हमारे पैर मॉइस्चराइज हो जाएगा, वरना बहुत टाइम हमारे स्किन बहुत सॉफ्ट हो गया होता है। फीट में 2 मिनट तक अच्छे से मसाज दे दीजिए कोई भी क्रीम, और यू कैन यूज ग्लिसरीन जो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फील देता है। देन आप अपने पसंद का कोई से भी नेल पेंट लगा लीजिए। दैट्स इट, यू कैन सी द डिफरेंट।